हाय फ्रेंड, दिस इज अमन दोस्त। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। दोस्तों, आज़ादी के 73 साल बाद भी क्या हमारा देश प्लास्टिक से आज़ाद है? उसका जवाब है दोस्तों, नहीं। आज़ादी के 73 साल बाद भी क्या हमारा देश पानी से आज़ाद है? हर गांव क्या स्वच्छ है? उसका जवाब भी दोस्तों नहीं। ये है कि आज मेरी शहर के लोगों को मुझे सचेतन करना है। मैं कैसे करूँगा, उसका हल मैंने निकाल लिया है। मैंने कुछ पोस्टर बनाया है, जैसे आप देख रहे हो। इससे अगर 10 लोग भी सचेतन हुए, 10-15 अगर सचेतन हुए, तो मेरे दिल से बहुत अच्छा रहेगी फीलिंग। और मेरी जो काम है बहुत बड़ा है, मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, उसके लिए मैंने जुगाड़ कर लिया है और इसको लिखना है। चलो लिखते हैं। बंदे का एक नया टैलेंट लिखने का, आज हम ट्राई करेंगे अब भी देखने का कैसे लिख रहा हूँ मैं। और आप अगर नए हो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और इधर दिख रहा है सब्सक्राइब बटन, उसको क्लिक कर दो। सब्सक्राइब बटन उसको क्लिक करो, ऐसे दिख रहा है, दबा दो यार, दबा। मेरा नाम और इधर फेसबुक, यूट्यूब और इधर होगा असली कार्यक्रम। इधर हम लिखेंगे असली कार्यक्रम। कार्यक्रम ऐसा है, अब उनका काम इधर रेडी है, हमको निकालना है, बट कोई आया नहीं है। वैसा अभी तक कोई आया नहीं है। आ जाओ सब लोग यार। इधर अपना लिखना कंप्लीट हो चुका है और जो चाहिए वो लगाने का, लगाने के लिए हमने ले आके आज का हूँ। तो जी, सब लगाने का रेडी है, सब कुछ रेडी है। वैसा दिख रहा है क्या? वॉच दिख रहा है? नो, आओ सब सब लोग यार आओ। हमने खा के पी के सब आ चुका हूँ, जो रेडी है निकल गए। जो मैं आगे बैठेंगे और कुछ एक व्यू के आप उनका थंबनेल के लिए। दोस्तों, कहानी में कुछ चेंज आया। ये पोस्टर हमने लिखा था, उस पोस्टर के पैक में हमको रंग लगाना पड़ा, तो इसलिए पोस्टर लगाने में थोड़ा लेट हो गया। तो जी, कहानी में आगे बढ़ते हैं, कहानी को देखते रहिए। कहानी कुछ अनोखा है, कहानी कुछ अतरंगी है और कहानी का मतलब यही है लोगों को सचेतन करने का। तो अब भी सचेतन होइए और वीडियो को लाइक। पोस्टर की बैक सूख जाने के बाद मैं पोस्टर को लगाने के लिए निकल गया। है वतन, वतन मेरे आबाद रहे तो है वतन, वतन मेरे आबाद रहे तो है वतन, वतन मेरे आबाद रहे तो
मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तो, ऐ वतन मेरे कोई गम की आज आने नहीं दो, तुझ पे कोई गम की आज आने नहीं दो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, ऐ वतन। तो जी लाइट नया है और आज है मंडे। आज सुबह से मैं इतना ज़्यादा परेशान हुआ कि पूछो मत। पहले तो लाइट, मेरी जो लाइट थी पहले वाला वो उसका राम राम सत्य हो गया। और ये मेरा नया लाइट। और दूसरा जो प्रॉब्लम था फैमिली से था, जब मैं संडे को सब लगा के आया और मंडे को घर में, मेरी मम्मी पापा इतना ज़्यादा मुझे डांटे कि तू बड़ा होकर सब करेगा, देश सेवा करेगा क्या, अपना काम कर, पैसा कम कर। मतलब मुझको इतना पता चल चुका है कि मेरे फैमिली से मुझको ये सब काम करने के लिए सपोर्ट मुझको नहीं मिलेगा, जो करना पड़ेगा अपने दम पे करना पड़ेगा। ये थी दो दर्दनायक बातें मेरी लाइट से रिलेटेड। एक लाइट पे खड़ा होना एकदम झटका लग गया यूट्यूब के ऊपर, और दूसरा था मेरी फैमिली से ऐसे बात करना, तीसरा और एक है मेरा बोर्ड एग्ज़ाम। कुछ ही महीने के बाद मेरा होगा बोर्ड एग्ज़ाम, जो होता है क्लास 10 में, आप लोगों को पता है। उसके लिए भी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से लेना पड़ता है। तो वीडियो लेट आएगा, आई होप फेस वीडियो नहीं आएगा, जैसे मैं वाटर कैस का वीडियो दिया था, फेस नहीं वॉइस के साथ आएगा। देता रहूँगा पल पल का अपडेट। जो ऐसे कुछ 10-15 बंदे हैं जिसको जिन लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है, वो मेरा दोस्ती है, अंकल है, ऐसा कुछ लोग हैं जो 10-15 ऐसा कुछ है, ऐसे बंदे हैं जो मेरे वीडियो देखना पसंद करते हैं। आई होप आप में से कोई है। तो जी लाइट का हालात उतना ज़्यादा, लाइट छोटा है, एक बार इसका वीडियो देखो इसका। तो जी प्लास्टिक यूज़ कम कीजिए, पानी का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। बाय। तो दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम।